पश्चिम बंगाल के दीघा में एक दुर्लभ और विशाल मछली मिली है। ये दिखने में फ्लाइंग शिप की तरह नजर आ रही है। ये दुर्लभ मछली एक लोकल फिशरमैन वाले के जाल में फंस गई, जिससे वो एक दिन में ही 20 लाख रुपए का मालिक बन गया। जी हाँ, ये दुर्लभ मछली करीब 800 किलो की बताई गई है। ये 20 लाख रुपए में बिकी। जानकारी के मुताबिक ये मछली बेहद ही दुर्लभ है और ये पहले इस इलाके में कभी नहीं देखी गई थी। फिशरमैन इस विशाल मछली को पकड़कर बहुत ही खुश है। लॉकडाउन के दौरान यह मछुआरे के लिए किसी लॉटरी निकलने की तरह है। इस मछली को एक ट्रॉलर की मदद से पकड़ा गया। इस ट्रॉलर का मालिक उड़ीसा का है। दीघा में जब ये विशाल काले रंग की मछली पकड़ी गई, तो उसके आसपास स्थानीय लोगों की भीड़ सी लग गई। इस 800 किलोग्राम की मछली का नाम चिल शंकर फिश है। अपने भारी वजन की वजह से मछली कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। ऐसे में इस मछली को रस्सी से बांधकर एक वैन में रखा गया, जो मोहाना फिशर एसोसिएशन से ली गई थी। वहां से फिर ये मछली बाजार गई, जहां इसकी बोली लगाई गई तो 2100 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव मिला। इस तरह से मछुआरे को मछली की कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए मिली। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मछली के तेल और हड्डियों से दवाई बनाई जाती है। ये मछली चीन और जापान जैसे देशों में सप्लाई की जाती है और इसका दवाओं को बनाने और खाने में इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये दिलचस्प जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।